नियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसके बाद यह पूरा हादसा हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से, जहां अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लग गई है। बीच सड़क में ट्रक का आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है, तो फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से सामने आ रही है, जहां बीच सड़क में ट्रक आग का गोला बन गया है। तो फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भीषण तस्वीरें, जहां पर एक ट्रक जो है वो पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रक में आग लगी है, अमेठी की ये पूरी घटना है, जहां पर अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लगी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक ट्रक आग का गोला बनता हुआ नजर आया। साफ तौर पर आग कितनी भीषण है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास मार्ग बंद हो गया है। ओजरी डाबर कोट के पास भारी मलबा आया है, तो मलबा और पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया है। सड़क के दोनों तरफ कई वाहन फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास मार्ग बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोग मार्ग को खोलने में जुटे हुए हैं। एनएच के कर्मचारी वहां पर मार्ग को खोलने में जुटे हुए हैं और मलबा और पत्थर इस पूरे सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास पूरी तरीके से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो ओजरी डाबर कोट के पास से भारी मलबा सड़क पर आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और पूरी तरीके से ये रोड जो है वो अब बंद हो चुका है। हालांकि एनएच के जो तमाम कर्मचारी हैं वो सड़क को खोलने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर यातायात फिर से सुचारू रूप से नहीं चल सका, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर टिहरी से आपको बता दें, भारी बारिश से आया मलबा, सड़क पर आए मलबे में दबी कई गाड़ियां। तो डोबरा चाठी पुल के पास गाड़ियां दबी हुई दिखी हैं। रौलाकोट जाने वाले सड़क पर बारिश से दिक्कतें बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर टिहरी से सामने आ रही, जहां भारी बारिश से मलबा सड़क पर आ गया है और मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। तो डोबरा चाठी पुल के पास कई गाड़ियां दबी नजर आई। रौलाकोट जाने वाले सड़क पर बारिश से दिक्कतें हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, टिहरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क पर बारिश से दिक्कतें बढ़ती नजर आई और भारी बारिश से ये मलबा इस सड़क पर नजर आया है। तो इस मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई नजर आई हैं और टिहरी की ये तस्वीरें, जहां डोबरा चाठी पुल के पास ये गाड़ियां दबी हुई नजर आई। तो भारी बारिश से मलबा सड़क पर आ गया है, सड़क पर मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं, डोबरा चाठी पुल के पास ये गाड़ियां दबी नजर आई। एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, भारी बारिश परेशानी का सबब बनी है। बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। तो नगर पालिका बड़कोट में बारिश से जलभराव हुआ है, जगह जगह सड़कों पर मलबा आया है। बारिश की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान के आकलन करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। तो बारिश के कारण लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और नगर पालिका बड़कोट में बारिश की वजह से जलभराव नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विहंगम तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश की वजह से जलभराव हुआ है और पूरी तरीके से कई सड़क जो मार्ग हैं वो भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आकलन करने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज स्टेट पर, जहां पर बारिश की वजह से उत्तरकाशी में लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी बन रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें योगी सरकार के मंत्री पेश करेंगे 100 दिन की रिपोर्ट। 100 दिन में किस विभाग में क्या क्या काम हुआ है, अपने विभाग का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, आज 3 विभागों के मंत्री अपना लेखा जोखा पेश करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने विभाग के काम का ब्यौरा देंगे। 100 दिनों में किस विभाग में क्या कुछ काम हुआ है, इसकी जानकारी इन मंत्रियों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जेपीएस राठौर जो कि सहकारिता मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, वो जानकारी देंगे अपने कामों की। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी ब्यौरा देंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने विभागों के काम का ब्यौरा लोगों के सामने रखेंगे। तो आज 3 विभागों के मंत्री अपना लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। तो अपने 6 महीने के लक्ष्यों की भी जानकारी इस दौरान उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और अचीवमेंट से टारगेट तक 100 दिनों का जो खाका खींचा गया उसको पेश करेंगे। 3 विभागों के मंत्री आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विभाग के काम का ब्यौरा देंगे। जेपीएस राठौर और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी अपने विभाग का ब्यौरा देंगे। तो अगले 6 महीने के जो लक्ष्य हैं उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अचीवमेंट से टारगेट तक 100 दिनों तक का खाका पेश करेंगे और 3 विभागों के मंत्री आज रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के समक्ष रखेंगे, जिनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने विभाग का ब्यौरा सामने रखेंगे। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। 3 विभागों के मंत्री आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अपने विभागों का जो ब्यौरा है वो भी देंगे। बिल्कुल शुभम, देखिए 4 जुलाई को योगी सरकार के 100 दिन कंप्लीट हुए और परसों ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 100 दिन की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा कि 100 दिनों में सरकार की कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। हालांकि आज देखा जाए तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और साथ में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चूंकि देखिए सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे 100 दिन की उपलब्धियों को और 100 दिन के कामकाज को लोगों के सामने रखें कि 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ किया। क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है शुभम कि सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जो सभी विभाग थे, सभी विभागों के कैबिनेट मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे 100 दिन का लक्ष्य तय करें, पहले 100 दिन, फिर 3 महीने और उसके बाद 6 महीने। तो चूंकि 100 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है तो 100 दिनों में अलग अलग विभागों ने क्या कुछ काम किया है और जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी अलग अलग विभागों को, उन जिम्मेदारियों को लेकर क्या कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर कह सकते हैं कि इस बात की भी जिम्मेदारी ज्यादा है कि सरकार रिपीट हुई है और लोगों की उम्मीदें और लोगों की अपेक्षाएं इस सरकार से बढ़ गई है, तो वैसे में सरकार भी उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहती है और यही वजह थी कि सरकार बनते ही सभी विभागों को एक टारगेट दिया गया कि एक सीमित समय के अंदर इस टारगेट को पूरा किया जाए। तो चूंकि 100 दिन कंप्लीट हो चुका है तो वैसे में अलग अलग विभागों के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिनों में जो काम उनको दिए गए थे वो काम कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, इसकी जानकारी लोगों को देंगे। बिल्कुल, तो इसकी जानकारी लोगों को 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड है जो वो मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाएगा। अविनाश, अगर हम देखें आगामी लोकसभा चुनाव है और उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो पूरी तरीके से जनता को संतुष्ट करना चाहती है। जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके वादे हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए शायद ये एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने शुभम, देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलती आई हैं 2014 से, क्योंकि 2014 में 70 से ज्यादा सीटें मिली थी। हालांकि वो आंकड़ा 2019 में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो वैसे में भाजपा की कोशिश यही है कि एक बार फिर से 70 से लेकर 75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जाए। और हाल ही में जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी, जो प्रभारियों की बैठक बुलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस बैठक में तय किया गया था मिशन यूपी, उसका नाम दिया गया है मिशन क्लीन स्वीप, जिसमें भाजपा का लक्ष्य यह है कि कम से कम 70, 75 और या फिर पूरी की पूरी, सारी की सारी सीटें जीती जाएं। तो इस लिहाज से जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हम केंद्र की योजनाओं की बात करें या फिर राज्य की योजनाओं की बात करें, तो इन योजनाओं के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए और लोगों में यह विश्वास जताया जाए कि चाहे मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार, किस तरीके से जन कल्याण का काम कर रही है। और इन्हीं योजनाओं के जरिए जो भाजपा के तमाम नेता हैं, चाहे हम बूथ प्रभारियों की बात करें, सांसदों की बात करें या विधायकों की बात करें, उनको निर्देशित भी किया गया है कि वे बूथ स्तर तक जाएं और कमजोर बूथों पर लोगों को यह बताएं कि ये सरकार उनकी बेहतरी के लिए किस तरीके से कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर
सरकार के कामकाज के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें भाजपा किस तरीके से यूपी में